यूपी के सीतापुर में योगी सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जबरदस्त गर्मी होने के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मामला मोहली तहसील क्षेत्र के पिसवा फीडर का है। यहां पर बीते 3 दिनों से बिजली नहीं आने से किसान परेशान हैं। उनकी फसलें सूख रही हैं। बताया जाता है कि नेरी विद्युत सब स्टेशन पर अत्यधिक लोड होने के कारण यहां लगा मुख्य ट्रांसफार्मर एवं स्टेशन के अंदर लगी ट्रॉलियां अचानक जलने लगी, जिसके कारण अभी तक पूरे क्षेत्र के लोग बिजली को तरस रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय किसान आक्रोशित हैं और विद्युत विभाग के अधिकारियों पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ SDO विद्युत शैलेंद्र पांडे ने कहा कि फीडर पर अत्यधिक लोड था, जिसके कारण से कुछ तकनीकी समस्याएं आई हैं। इन्हें जल्द ही दुरुस्त कर विद्युत आपूर्ति को बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ SDO से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री सीतापुर आ रहे हैं, इसके बावजूद किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, ऐसे में सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठ रहा है, इस सवाल का बचाव करते हुए SDO ने कहा कि ऐसा नहीं कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। नेरी उपकेंद्र जो हमारा है उस पर हमारे जर्जर जो पैनल थे और ट्रांसफार्मर एक बरगावा से वो हाई लंबे का जो ट्रांसफार्मर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, वो कल सुबह आ गया है तो आज शाम तक वो चालू हो जाएगा और जो नए पैनल लगाए जा रहे हैं वो भी चालू होकर शाम तक वो सप्लाई जो है सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी। नहीं है उन पर जर्जर तार और जर्जर हमारे पैनल हैं और ट्रांसफार्मर भी कम क्षमता के हैं, उस पर भी क्षमता बढ़ाई जा रही है। और किसानों की सुविधा के लिए क्या हुआ है कि ऊपर हम लोगों ने प्रपोजल एक भेजा है कि बरगामा में नया एक पावर हाउस बनाया जाए जो नेरी से संबंधित जितनी भी समस्याओं का है पूरा 100% उसमें समाधान हो जाएगा। पिसावा फीडर पे ज़्यादा जो है लाइटें नहीं आ रही, पूरा किसानों गन्ना सब पूरा सूख गया। कहते हैं 8 घंटा 18 घंटा और 2 घंटे भी लाइट बंद के नहीं देते हैं, कभी भी नहीं दिए। और जो है यहाँ अगर शिकायत करो तो कहते हैं वो लोडे नहीं लेता है। जय साहब से बात करो कहते हैं, उच्च अधिकारियों से बात करो, SDO साहब से भी बात किए, कहे अब खंड में करके जो है अलग अलग करके तुम्हें लाइट सही करा देंगे, 8-8 घंटे तो कम से कम देवे करेंगे, वो भी कुछ नहीं हो पाया। और अब के तो 5-6 दिन से तो 1-1 घंटा नहीं, घर में पानी नहीं है और AC वाले नल काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी समस्या त्राय मची। हम लोग जो है बहुत दूर दूर से पानी गाँव पीने के लिए ला रहे हैं। यहाँ पर आप क्यों आए हैं? यहाँ पर इसीलिए आए थे देखने की क्या समस्या है, कम से कम घर में तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए। क्या समस्या लग रही है यहाँ पर आपको? अब यहाँ तो ये दूसरा बताते हैं कोई ट्रांसफार्मर फूका था, हालांकि हमारे पिसावा वाले से मतलब नहीं है उसमें, और ये पुरानी कुछ मशीनें भी बदली जा रही हैं, लेकिन लापरवाही को सीमा बहुत टूट रही है। अब हम लोग क्या करें, इससे संपर्क करें।